तो गाइज आपसे ये बात शेयर करनी थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये रिसेंटली एक सॉन्ग आया, शायद कल आया है वो सॉन्ग, उज़मा शफी ने गाया है। तो उसमें एक जगह वो बोल रहे, तो चुक जमीन बिछ से आसमान आई। तो एक्चुअली में जो लिरिक्स है ना वो ये है कि तू चुक आसमान है बिछ जमीन है, हब खो, तो उनके ये लिरिक्स है। तो यहाँ पे मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये गलत गाया है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी समझने वाले हो यार, तो आप लोग एक बार सॉन्ग को चेक करना वहां पे क्या बोलती है वो। जब इंसान अपने महबूब से मुखातिब होके बोलता है ना तो खुद को कम दर्जा देता है, और जो महबूब होता है ना उसको ज्यादा दर्जा देता है, ठीक है ना। प्रियोरिटी ज्यादा महबूब को दी जाती है, क्योंकि ये सॉन्ग तो महबूब को डेडिकेट करती है, ठीक है। तो हवा खातून ने डेडिकेट अपने महबूब को करा है। तो अल्लाह तला मीन्स अर्श आसमान, ठीक है, और जमीन बंदा जमीन पे होता, तो वो उल्टा वहां पे बता रही है। तो ये बात आप लोगों से शेयर करनी है, ठीक है। आप लोग समझने वाले हो, समझ जाओगे। तो बाकी आप वीडियो को एंजॉय करो, एंड तक देखना, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। तो गाइस पहुंचे हैं अबरार के घर। तो पहले मैं आज अपने बैंक को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता हूँ, दिन का इंटरेस्ट। अभी मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई है, एक तो ये वाली स्वेटर उठाई है मैंने यहाँ से, ठीक है, और ये। तो गाइस आज की जो कमेंट्स है जिन्होंने मेरा दिल खुश किया है, तो वो यहाँ पे होगी, कहीं पे भी होगी तो देख लेना यार, यहाँ पे होगी या वहां पे होगी, यहाँ पे मुझे जज नहीं हो रहा है कहाँ पे होगी। तो जहां पे भी होगी तो देख लेना, मतलब किस बंदे ने कमेंट करा है और क्या कमेंट करा है। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या छो मजा मचो। तो जी आज का मसला ये है कि अभी मैं निकल रहा हूँ मार्केट की ओर, और भी काम मुझे वहां से निपटाने हैं। और मेरी मम्मा ने मुझको एक काम दिया है जो मैंने कभी किया ही नहीं है, लेकिन ट्राई करूंगा यार। हर कोई काम किया नहीं होता है, उसको ट्राई करना होता है, फिर इंसान सीख जाता है। पता नहीं कुछ आटा बनाना है कि क्या करना है, कभी किया ही नहीं है यार। तो आज ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, होप अच्छे से वो भी हो जाएगा वो भी। और आज का मसला ये है कि आज मुझे कटाई भी करनी है, एंड वो टाइम आ गया। आज मैं अपने बाल काटूंगा, सिंपल हेयर रखूंगा, बहुत लंबे हो चुके हैं। अब इनको सुबह सुबह वो लड़कियों की तरह कंघी करनी पड़ती है, वो लंबे बाल यहाँ से, तो आज इनको मैं कट करूंगा। तो फाइनली आज मेरा हेयर कट भी, बहुत सारे काम वहां से निपटाने। यू पीपल हैव टू स्टे कनेक्टेड, एंड वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी से करना है। बाकी निकलते हैं, रखते हैं हम स्टार्ट, क्योंकि गाड़ी ठंडी होती है, बहुत दिन के बाद इसको स्टार्ट करना है। वो ट्राईपॉड कहाँ पे पड़ा है, ये मैंने यूज ही नहीं करा है। चलो अभी मैं चाय पी लेता हूँ, तो फटाफट से निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो ये पानी है ना, इसको मुझे वापस ले जाना है। शादी के दिन एक्स्ट्रा लाया था मैंने, तो आज इसको वापस ले जाते हैं। ये पानी की बॉटल्स है ना, ये मैंने यहाँ पे डिक्की में रख दी है, और एक रखनी है, और जो मम्मा ने सामान दिया है वो भी रखना है। सो गाइज निकल पड़ा मैं यहाँ से। पहले सीट बेल्ट लगाना ये मैंडेटरी है, अगर मैं 1 किलोमीटर भी आगे जाऊँगा ना तो सीट बेल्ट ज़रूरी से लगाता हूँ मैं, आप भी लगाया करूँ। तो चलो अभी हम चलते हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम कंगन में। पता नहीं गाड़ी का क्लच जब मैं दबाता हूँ ना, वो पता नहीं कुछ शोर जैसा कर रही है। इसके बारे में अगर किसी को कुछ इल्म है तो वो मुझे बताना ज़रूरी से। आगे किसी ने गाड़ी रखी है, यहाँ पे रास्ता बंद है यार, क्या करेंगे, फंस गया मैं यहाँ पे। फूटी किस्मत मेरी, यहाँ पे रास्ता ही बंद है, अब रिवर्स में जाना पड़ेगा और ऊपर से जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा, हद है यार। तो गाइस मैं ठहरा हैवी ड्राइवर, और मैंने यहाँ से फाइनली गाड़ी निकाली, जुदजात की मैंने और फिर गाड़ी निकाली। मतलब ये लोग हैरान रह गए, मैंने गाड़ी यहाँ से निकाली, यहाँ से सुबह से एक भी गाड़ी पास नहीं हुई, लेकिन मैंने करी है पास, मुझे 4-5 किलोमीटर बच गए, किस्मत। चलो चलो, तो फाइनली मैं गाइस वहां पे पहुंचा जहां पे मुझे ये वाटर बॉटल्स ड्रॉप करनी थी, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ पे पावर हाउस कंगन के पास मुझे जाना था। तो उसके बाद मैं पहले जाऊंगा कटाई करने, उसके बाद जाना है मुझे फाइबर वालों के पास। तो यहाँ से मैं ये उतारता हूँ, ये है वाटर केसेस, तो ये 5 ही उतारता हूँ मैं। तो जी हो गया हमारा काम, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, रवाना हो जाता है। बिस्मिल्लाह। बंदा मगर यहीं पे आ रहा है, वेलकम।
अपर छ जगह खास पहुंचेगा हो पहुंचेगा तो ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वैसे तुम्हारी फैन फॉलोइंग तुम्हें मिस करती है व्लॉग्स में और बहुत लोग बोल रहे थे कि चैनल का नाम बताओ प्लीज मेहरबानी करके। चैनल ना ना मेंशन नहीं बताओ। चलो ठीक है। देखा गया जिसने खुद बताया चैनल का नाम नहीं बताना क्या कर सकता हूँ। तो गाइज अभी मैं आया सुहेल भाई की दुकान पे, यहाँ से लाई मैंने ये वाली कैब फिलहाल के लिए क्योंकि अभी कैब नहीं पहुंची है तो अभी मैं ये ले जाता हूँ। मैं कंगन आया था कुछ काम निपटाने, बहुत सारे काम निपटाने थे लेकिन इस बंदे ने बोला चल हमारे घर जाएंगे वहां से खाना खाएंगे फिर आएंगे। तो अभी का मसला है अभी हम जाएंगे आगे उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब राके घर जाएंगे, स्टे कनेक्टेड। तो फाइनली हम लोग पहुंचे तो गाइस पहुंचे हैं अबरार के घर और अबरार लगा है फोन पे, पता नहीं यहाँ पे क्या करना है, इसने क्यों लाया यहाँ पे, बंदा बिजनेस कर रहा है फोन पे। यहाँ पे लाई अबरार ने चाय और खुद पता नहीं क्या पी रहा है और ले आई चाय, लिप्टन चाय और बिस्किट्स। तो जी गाइज अभी हम निकल पड़े क्योंकि कंगन में फिर मैंने कटिंग नहीं करी। अभी यहाँ पे आसपास तेरन में कोई शॉप है वहाँ पे जाएंगे वहीं पे कटिंग करेंगे अबरार में। फिर अबरार को जाना है दावत पे, मैं जाऊँगा घर। और भी मुझे मशीन पे जाना था, कुछ बनाना था वहाँ पे, वो जो मम्मी ने कुछ दी थी मक्की दी थी उसका कुछ बनाना है, वो मैं वहीं पे छोड़ूंगा फिर मैं जाऊँगा घर। ठीक है तो पहले जाते हैं हम कटिंग करने। चल भाई ये क्या यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया है, कर लतार अतवाली कर लतार भाई मेरी गाड़ी में जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ओ यहाँ पे जाना हमें कटिंग करने, गाड़ी रखेंगे हम इस साइड। सो गाइज एज यूजुअल मेरी किस्मत बहुत तेज चल रही है। यहाँ पे हम आए लेकिन बार-बार शॉप बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। अब रहा उसको कॉल कर रहा है, क्या बोला नहीं उठा रहा है अब। अच्छा तो हम चलते हैं। तो गाइज अभी हम अब निकले कंगन क्योंकि जहाँ पे हम गए थे ना बाबा शॉप पे वो वहां पे नहीं था, इस बंदे की वजह से सारा कुछ हुआ। जहाँ पे भी इसको देखो ना मुझे इन्फॉर्म करना। तो अभी हम कंगन जाएंगे तो अब वहीं पे कटिंग करेंगे 5 किलोमीटर फिर से, जो पहले बचत आए थे ना मुझे 5 किलोमीटर अभी फिर से वो वापस देने हैं। चलो 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 कंगन चले कंगन चले। तो अभी हम आए हैं बार्बर शॉप पे, इस बंदे को कटाई करनी है फिर इसको दावत पे जाना है। यार हमने पहली कटिंग करी होती लेकिन इस बंदे ने हमें यहाँ से निकाला, बताया घर जाएंगे वहाँ पे वहीं पे करेंगे लेकिन अब यहाँ पे करनी पड़ती है। अभी मेरे जो ये लंबे बाल है ना ये अब कम हो गए, देखो कितने। और अबरार यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा है, इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की। भाई चैनल का नाम बता ना पागल। और हमारे इनाम साहब यहाँ पे जो कि हमारी कटिंग पहली बार करेंगे। तो जी गाइज अभी मैं आया हूँ हिलाल बाया की दुकान पे, हिलाल गारमेंट्स जो आपको पता ही है वांगत रोड पे है। तो यहाँ पे हिलाल बाया बहुत टाइम हुआ है यहाँ पे हम बातें कर रहे थे और हिलाल बाया ने बहुत सारी नसीहतें की मुझे और सही बात कही उन्होंने, मुझे भी अमल करनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई है, एक तो ये वाली स्वेटर उठाई है मैंने यहाँ से, ठीक है, और ये वाला जैकेट फ्रॉम YouTube मनी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हिलाल भैया से इजाज़त लेते हैं क्योंकि मुझे लेट बहुत हुआ, मैं सुबह घर से निकला हूँ जैसे आपने व्लॉग में देखा। तो अभी क्या है अभी मैं घर जाता हूँ फिर। तो हिलाल भैया मैं निकलूँ? हाँ खुदा क्या वाले निकलो आदिल भाई। चलो हिलाल भैया से इजाज़त लेंगे, चलो सलाम अलैकुम। तो जी गाइस मैं फाइनली आया हूँ गाड़ी में और जो सारा सामान मैंने लाया वो यहाँ पे है। और ये जो पीछे है ना ये
यहीं पे है क्योंकि मैंने ये नहीं दिया वहां पे जहां पे मुझे देना था। अभी मैं यहां से जाऊंगा तो अगर वो वहां पे होंगे तो वहां पे छोड़ूंगा उस मशीन पे, अगर नहीं तो सीधे घर ले जाऊंगा क्योंकि वो वहां पे नहीं था दिन भर। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम यहां से निकलते हैं फटाफट, तो लेट भी बहुत हुआ। चलो भाई वो दिख रहे हैं ना, इनमें मक्की है, मक्की मेज, हाँ मेज बोलते हैं ना, और इसको ले जाना है मशीन पे, तो इसको पता नहीं क्या बनाना है। मैं देखूंगा वहीं पे होगा कोई या नहीं होगा, तो देखते हैं। पन लखो से दिल पागा किस बजे जिम्बे निकल से, चलो ठीक है चल से दी क्या, हाँ ये तो लखो शुक्रिया। तो पहले मैं आज अपने बैंक को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता हूँ, दिन का इंटरेस्ट। तो ये है मेरा बैंक, इसमें पैसे डालूंगा मैं, इसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा। तो आज पहले 50 रुपीज डालेंगे इसमें, हो गए 50, तो जी गाइस अभी का मसला है कि अभी मैं घर पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी दूसरा टर्न लेना पड़ा और 4 किलोमीटर ऊपर से आना पड़ा क्योंकि यहां से रास्ता बंद था। तो अभी का मसला है कि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको किसी भी रीजन से ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बन फीमानिल्लाह, बाय बाय।